स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल एवं वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद आजमी, महामंत्री रितु राय एवं समस्त पदाधिकारी व अन्य प्रताड़ित व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट के ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजनी पांडे एवं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाइट मार्केट के किरायेदारों से अवैध ढंग से मनमानी किराया एवं सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करने पर व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी भी दी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। हम स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल से महामंत्री के पद पे और प्रवक्ता के पद पे रितु राय मेरा नाम है। आज आप लोगों ने किस तरह की जो है प्रेस वार्ता बुलाई है? ये सिर्फ इसलिए बुलाई है कि एक ये जरिया है हमें अपनी परेशानियाँ जो मेरी हो रही है हम लोग को हो रही है उनको आगे तक पहुँचाने के लिए, जो कि धांधली की कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी मिलकर और श्रेया कंपनी के जो अंजनी पांडे जी हैं वो मिलकर। अनुबंध में सर लिखा हुआ है कि कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन लोग 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे करके सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं और उसका कोई भी वो नहीं दे रहे, पेपर नहीं दे रहे या कोई भी वो चीज़ नहीं दे रहे, पर्ची नहीं दे रहे कि हम शो कर सकें। दूसरी चीज़ किराया भी डबल ले रहे हैं स्मार्ट सिटी से, जो है कि किराया जिस भी दुकान का मालिक 10,000 20,000 उससे 30,000 40,000 ऐसे ले रहे हैं, वो भी सही तरीका नहीं। बीच बीच में ये लोग अलग से भी पैसा एडवांस मांगते हैं, अगर नहीं देने पे धमकी कि दुकान खाली करवा देंगे, दुकान करवा देंगे हमारे ही दुकान पे 2 बजे। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की? पहले तो हम लोग बग्गा जी के पास गए हेल्प मांगने के लिए कि उनके द्वारा ऊपर। हमारा नाम सर जतिन त्रिपाठी है, ये बनारस के रहने वाले हैं। ये जो श्रेया इंटरप्राइजेस के जो ऑनर हैं अंजनी पांडे जी, इनसे हमारे थोड़ा पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, उसके एवज में इनको मैंने 40-45 लाख रुपए इनको ये इसमें पार्टनरशिप के नाम पर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन तो वो हमको पैसा दिए, अब हम उनसे जब पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं कि जो है हम मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको अब तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता, मैंने जितना दे दिया अब उतना दे दिया, अब मैं आगे पैसा नहीं दे सकता। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक छोटा सा ठेला वाला दुकान है, उसको भी ये बोलते हैं कि वो तुम्हारा खाली करा देंगे, वो भी तुम्हारा खाली करा देंगे और तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाइट बाजार जब खोला था तो ये सोच के खोला था कि कम से कम जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे ढंग से कारोबार करें, उसका वो ये जो वो सोच के खोले तो सब उसका अपोजिट हो रहा है। वो यहाँ पे गरीबों को बचाने के लिए किए थे, गरीबों का यहाँ शोषण हो रहा है, हम लोग जैसे लोगों का इतना इतना पैसा लेकर के उसके बाद हम लोग का पूरा पैसा डुबा दिया गया, हम लोग भुखमरी के गार पे हैं सर। तो इसकी आवाज़ आप लोग कहाँ उठा सर? इसकी आवाज़ सर अभी तक तो सर देखिए हम लोग वहीं सिंह। मनोज जी क्या बात है, किस लिए पत्रकार वार्ता रखे हैं, क्या कुछ दिक्कत आ रही है नाइट मार्केट? मैंने श्रेया इंटरप्राइजेज अंजनी कुमार पांडे जी को 40 लाख रुपया RTGS उनके अकाउंट में दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रॉफिट का पैसा वो हमको देंगे और कुछ दिन तक उन्होंने दिया। जब उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, सारे जगह उनके प्रॉफिट बढ़ने लगे तो उन्होंने जब उनसे प्रॉफिट मांगा तो कह रहे कि प्रॉफिट नहीं देंगे, तुम अपना पैसा ले लो। आपने कितना पैसा दिया है? 40 लाख रुपये हम उनको RTGS किए। जिनको दिए हैं वो क्या है? वो एक कंपनी का ऑनर है श्रेया इंटरप्राइजेज। श्रेया इंटरप्राइजेज क्या नाइट मार्केट में दुकान अलॉट करता है? दुकान अलॉट करता है, उनका बेनिया पार्किंग है और मैदाकिन पार्किंग भी नहीं, क्या श्रेया इंटरप्राइजेज का है। तो उन्होंने इसके नाम पे हमसे पैसा लिया कि हम तुमको प्रॉफिट देंगे, जब उनका प्रॉफिट बढ़ गया कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे तो अपना पैसा ले लेना। हम कहे ठीक है भैया हमारा पैसा दे दीजिएगा, फिर हम उनसे अपना पैसा मांगने गए तो उन्होंने हमको 20 लाख का चेक दिया कि कहा 20 लाख हम 10 दिन हमें दे देंगे। जब हमने वो चेक लगाया वो चेक बाउंस हो गया, फिर उसके बाद वो चेक दिए फिर 10 लाख का चेक बाउंस। उसके बाद हम अधिकारियों के पास गए वहाँ SP ऑफिस, तो वहाँ से भी क्या नाम